गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस डिसएडवाटेज ऑफ एमएनसी, एमएनसी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी के क्या क्या डिसएडवानजेज़ होते हैं क्या क्या कमियां होती हैं तो डिस्कस करते हैं डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज देखिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए ख़तरनाक होती है एम क्यों होती है क्योंकि एम के पास इन्फ़्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है जबकि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ होती हैं डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती हैं ये एम की तरह कैपेबल नहीं होती इनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजीरियल स्किल टेक्नोलॉजी एम की तरह नहीं होती इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी एम की तरह नहीं होते इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जल्दी से बंद हो जाती हैं जब एम की एंट्री होती है कहने का मतलब है एम के आने से डोमेस्टिक कंपनी से या डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कोई नहीं खरीदता क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं होती इनकी इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाइंड अप हो जाती हैं बंद हो जाती हैं तो सबसे पहली कमी ही यही है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए खतरनाक है क्योंकि एम एम और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं तो एम का साइज़ बड़ा है एम में क्वालिटी है एम के पास फाइनेंशियल रिसोर्स हैं एम के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है एम के पास मैनेजमेंट है टेक्नोलॉजी है जबकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के पास ऐसा कुछ भी नहीं है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ एम को फेस नहीं कर पाती डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एम को कंपीट नहीं कर पाती और कुछ वीक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वाइंड अप हो जाती हैं बंद हो जाती हैं सेकंड है, Second है रीपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट रीपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है ये जो एम एन सीज होती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज होती हैं ये बहुत प्रॉफिट कमाती हैं और सारा प्रॉफिट ये अपने देश में लेके जाती हैं जैसे मैंने आपको बताया कि सैमसंग सैमसंग कहाँ की कंपनी है सैमसंग है साउथ कोरिया की सोनी सोनी जापान की कंपनी है तो सैमसंग और सोनी जितना भी प्रॉफिट कमाते हैं ये खुद के देशों में लेके जाते हैं जैसे सैमसंग साउथ कोरिया में लेके जाता है जापान में सोनी जो है वो जापान में लेके जाता है कोका कोला पेप्सी अमेरिका की कंपनीज है तो अमेरिका में लेके जाती हैं तो मतलब यहाँ का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है तो जो होस्ट कंट्री होती है उसके नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है उसको इसका मतलब सारा फॉरेन करेंसी दूसरे देशों में जाता है हमारा पैसा हमारी करेंसी दूसरे देशों में जाती है दिस इज रीपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कि प्रॉफिट दूसरे देशों में जाता है जहाँ की एम होती हैं तो नुकसान किसको होगा होस्ट कंट्री को होगा थर्ड है लोकल पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन होता है इंटरफेरेंस होता है देखो कैसे होता है ये जितने भी एम होती हैं ना ये अंडर डेवलप्ड कंपनीज में बनाई जाती हैं अंडर डेवलप्ड कंपनीज में बनाई जाती हैं सबसे पहले ये जो एम हैं गवर्नमेंट की हेल्प करने लगती हैं वेरियस वेज के जरिए अलग अलग मेथड के जरिए थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को हेल्प करने लगती हैं और बाद में गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करने लगती हैं देखिए कैसे होता है सबसे पहले गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत हेल्प करने लगती हैं एम कि टैक्स ऑनेस्टली पे कर दिए टैक्स जल्दी पे कर दिए सब कुछ गवर्नमेंट की हेल्प करने लगती हैं और बाद में क्या होता है गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में एमएनसीज़ इंटरफेयर करने लग जाती हैं और ये सिचुएशन किसी भी कंट्री के लिए डिज़ायरेबल नहीं होती तो दिस इज इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स कि लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होता है क्योंकि एम एन सीज अंडर डेवलप कंट्रीज़ में बनाई जाती हैं यूजुअली और एम एन सीज गवर्नमेंट की हेल्प करना स्टार्ट करती हैं और ग्रेजुअली बाद में डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करना स्टार्ट करती हैं एम एन सीज़ उसके बाद है नेचुरल रिसोर्स का एक्सप्लोटेशन भाई ये जो एम होती हैं ये होस्ट कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को केयरलेसली यूज़ करती हैं केयरलेसली यूज़ करने का मतलब जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको वेस्ट करती हैं उन्हें एक्सप्लोइट करती हैं और हमें पता होना चाहिए नेचुरल रिसोर्स किसी भी कंट्री की एसेट होती हैं तो एम के आने से नेचुरल रिसोर्सिस का एक्सेसिव यूज होता है एक्सेसिव यूज के साथ केयरलेसली यूज होता है जिससे होस्ट कंट्री के नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोयड होते हैं लास्ट है फिफ्थ डिसडवाटेज है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल कि पुअर पीपल को कोई बेनिफिट नहीं होता क्योंकि जो एम हैं या तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में बनाई जाती हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में बनाई जाती हैं और मोस्टली लोग क्या होते हैं यहाँ के पुअर होते हैं कंपनी सिर्फ रिच के लिए प्रोड्यूस करती हैं येस yes. एम मल्टीनेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज ब्रांड्स बनाती हैं रिच के लिए प्रोड्यूस करती हैं जैसे कॉस्मेटिक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स चॉकलेट और हमारे देश जैसे अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ में पुअर लोग रहते हैं पुअर पीपल ज़्यादा रहते हैं वो एम के प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते सो so ये भी कमी है कि एम ओनली रिच के लिए प्रोड्यूस करती हैं नॉट फॉर पुअर डिसडवांटेजेस ऑफ एमएनसीटिक इंडस्ट्रीज के लिए डेंजर क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एम एनसीज को कंपीट नहीं कर पाती और शटडाउन बंद हो जाती है वाइंड अप हो जाती हैं रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होस्ट कंट्री का प्रॉफिट दूसरी कंट्री में जाता है जैसे ये एम एन सीज काफी प्रॉफिट कमाती है और सारा पैसा अपने देश में लेके जाती हैं लोकल पॉलिटिक्स में या लोकल पार्टीज में इंटरफेरेंस भी करती हैं क्योंकि एम पहले गवर्नमेंट की हेल्प करने लगती हैं और धीरे धीरे उनके डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करने लगती हैं जो किसी भी कंट्री के लिए डिजायरेबल नहीं है नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करती है एम होस्ट कंट्री के नेचुरल रिसोर्स को एक्सेस यूज़ करती हैं इतना यूज़ करती हैं कि रिसोर्स एक्सप्लॉयट हो जाते हैं और नेचुरल रिसोर्स किसी भी कंट्री की एसेट होती हैं बैकबोन होती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मेन सोर्स होता है नो बेनिफिट टू पुअर पीपल एम का बेनिफिट पुअर पीपल को नहीं होता क्योंकि एम के प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होते हैं इसलिए एम हमेशा रिच के लिए प्रोड्यूस करती हैं सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एम